चार का विभाजन नियम, अधिकतर चार से भी वही संख्याएं विभाजित होती है जो दो से विभाजित होती है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा छोटा सा अंतर है कि दो से विभाजित तो छः भी होता है लेकिन चार से विभाजित छः नहीं होता है। तो जब चार का विभाज्यता नियम देखते हैं तो ऐसी संख्याएं जो जिसके दहाई और इकाई के अंक मिलकर है ना जो संख्या बनेंगी, यदि वो चार से विभाजित होंगी तो पूरी संख्या भी चार से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक संख्या बनती है एक दो, तो हम देखते हैं ये दोनों मिलकर क्या हुए हैं, 12 बने हैं और 4 के पहाड़े में 12 आता है, मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि और भी कोई संख्या लेते हैं 7, 8, 6, 5, 4, 8, तो हम देखते हैं अब यहाँ भी इकाई दहाई मिलकर 48 आ रहा है, 48 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो चार का विभाज्यता नियम बोलता है आपको जो भी संख्या मिली है उसके दहाई और इकाई को मिलाकर जो संख्या बनती हुई दिख रही है आपको सामने में, उस संख्या को सिर्फ भाग देकर देख लीजिए कि वो भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर वो भाग जा रहा है तो निश्चित रूप से वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अगला अंक है 6 का विभाज्यता नियम। तो ऐसे तो 6 से जिसको भी विभाजित करना है आप 2 और 3 से विभाजित कर सकते हैं, है ना, लेकिन अगर 6 से ही सीधा विभाजित करना पड़े आपको किसी संख्या को तो आपको दोनों विभाज्यता नियम को ध्यान देना पड़ेगा, 2 का विभाज्यता नियम और 3 का विभाज्यता नियम। जैसे हमने एक संख्या ले ली है 636, अब हमें देखना है कि ये 6 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो पहले तो हमको इकाई का अंक देखना है, वो 6 है, 2 से विभाजित है, है ना, तो पहली शर्त इसने अपनी पार कर ली है। दूसरी, ये 3 से विभाजित है या नहीं है, तो 6 × 3 = 9 × 6, तो 6 × 3 = 9 = 15, तो 3 के पहाड़े में 15 भी आ जाता है, तो हम देख रहे हैं ये 3 से विभाजित है। तो यदि 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो निश्चित रूप से ये 636 जो है वो 6 से विभाजित होगा। हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, दोनों शर्तों पर लागू हो जाती है, 2 से भी विभाजित होती है हो सकती है और 3 से विभाजित हो सकती है, तब वो संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। आप उस नियम को खुद कोई उदाहरण लेकर निश्चित रूप से आप उसके हल करके देख सकते हैं। 8 का विभाज्यता नियम। तो जैसे 4 के विभाज्यता नियम में हम लोगों ने दहाई और इकाई के लिए इससे बनी हुई संख्या को देखा था, तो यदि 8 का विभाज्यता नियम ऐसा आता है तो आपको 3 अंकों को देखना पड़ता है कि वो तीनों संख्याएं जो है वो 8 से विभाजित है या नहीं है। तो आपको कोई संख्या मिलती है 2, 4, 5, 0, 4, तो आपको ये तीनों अंक जो 504 बन रहे हैं इकाई दहाई और सैकड़ा से, ये तीनों अंकों को आपको 8 से भाग देना है। अगर वो भाग चला जाता है तो ये पूरी संख्या भी भाग जाएगी, मतलब 504 को आप भाग दे दीजिए 8 से, 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24, तो आपको मालूम चलेगा कि ये पूरी 504 जो है वो 8 से पूरी तरह विभाजित हुआ है, तो मतलब ये पूरी संख्या भी जो है वो 8 से विभाजित होगी। आप इस तरीके से विभाज्यता नियम को देख सकते हैं। अगला है 9 का विभाज्यता नियम। तो 9 का विभाज्यता नियम बिल्कुल 3 के समान ही है, लेकिन अगर आप 9 के पहाड़े को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके पहाड़े में जितनी भी संख्याएँ आई है 9, 18 से लेकर 81, 90 तक के, इन दोनों अंकों का योग 9 है, चाहे वो 18 हो, चाहे वो 63 हो, चाहे वो 81 हो, चाहे वो 90 हो, तो दोनों अंकों का योग जो है वो 9 आ रहा है। अर्थात इससे ये पता चलता है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका जिनका योग पूरी तरीके से 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं 7074, अब देखते हैं कि ये 9 के विभाज्यता नियम में यह खरी उतरती है या नहीं उतरती है। तो इसे हम 7 × 0 × 7 × 4, चारों अंकों को जोड़ दीजिए, आपको मिलता है 7 × 7 = 14 = 18, 18 मतलब 1 × 8 = 9, मतलब इसके सारे अंकों का योग अंत में 9 आ रहा है। यदि अंत में 9 आ रहा है या जो योग आ रहा है यदि वो 9 से विभाजित है तो ये संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित होगी। यदि आप इससे भाग देकर देखेंगे तो ये संख्या भी 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो इस तरीके से 1 से लेकर 11 तक की संख्याओं का लगभग विभाज्यता नियम मैंने बताया है। एक 10 छूट रहा है तो 10 के
के पहाड़े से ही आपको मालूम चल जाता है कि वो जिसके भी इकाई में शून्य रहेगा वो तो निश्चित रूप से 10 से भाग जाएगा। बहुत आसानी से आप जानते हैं, मैं इसलिए उस पर उसको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसको भी अगर देखेंगे, उसका विभाज्यता नियम भी यह बोलता है कि यदि उसके इकाई के अंक में शून्य होगा तो निश्चित रूप से पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। तो ये पूरा विभाज्यता नियम है, ये सभी प्रकार से आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको काम में आता है जब आप इसे हल करने के लिए जाते हैं तो। और दूसरा भी, आप बहुत सारे गुणनखंड, लघुत्तम वगैरह बनाएंगे, महत्तम बनाएंगे, जैसे जैसे बड़ी कक्षा में जाएंगे आपको बड़ी संख्या को का गुणनखंड निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, तब आपको ये विभाज्यता नियम निश्चित रूप से याद आएंगे। और अगर आपको याद होंगे, आपको पता होगा, तो आप बहुत आसानी से दूसरों से जल्दी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकेंगे, क्योंकि हो सकता है कहीं पर 7 आए, कहीं पर 11 आए, कहीं पर 5 आए, तो आप उनको बड़े आसानी से भाग देकर देख सकेंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके बहुत काम का है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए, पसंद आए तो आप उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने मित्रों के साथ में और अपने विद्यार्थियों के साथ में, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।